सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आऊं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, एसुस ने एक नया फोन लॉन्च किया है और काफी सारे लोग कह रहे हैं क्या ये रेडमी नोट 5 प्रो किलर हो सकता है। Redmi Note 5 Pro अपने बहुत अच्छा डिवाइस है, बट फ्लैश सेल में ना मिलना, डिवाइस की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है और अब लोग इरिटेट हो चुके हैं। ब्लैक मार्केट में 3-4 हजार रुपए में ज्यादा बिकता है और अब लोगों को मिल नहीं रहा, और वो सब सिनेरियो में Asus एक ऐसा फोन लेकर आता है जहां पर प्राइसिंग किलर रखी गई है, स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, सॉलिड बैटरी है, कैमरा भी ठीक ठाक है। तो क्या ये Redmi Note 5 Pro किलर बन सकता है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड्स ऑन Asus के नए डिवाइस Zenfone Max Pro M1 के बारे में। मैं आज इवेंट में गया था Asus के, उन्होंने इनवाइट किया था, इवेंट को मैंने अटेंड किया एंड डिवाइस के बारे में काफी सारी चीजें पता चली हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको फटाफट इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और जो मैंने थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसकी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले एस्पेक्ट की। डिजाइन लैंग्वेज में इस फोन को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे सीधा सीधा Infinix Hot S3 की याद आ गई। डिजाइन लैंग्वेज मुझे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही लगा है, हालांकि यहाँ पर यूनिबॉडी मेटल डिजाइन दिया गया है, मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है, ऊपर और नीचे जो है साइड्स दी हुई है प्लास्टिक की है और बीच में मेटल है, आगे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाता है। जो स्क्रीन साइज है 6 इंच का स्क्रीन साइज है, 1080p डिस्प्ले है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो ये लेकर आ चुके हैं Zenfone 5 Max Pro में। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन मिलती है वो 1080p का डिस्प्ले मिलता है, यानी 1080p/2160 402 पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। इन लोगों का कहना है कॉन्ट्रास्ट रेशियो अपने क्लास के हिसाब से काफी अच्छी है यहाँ पर 1:1500, और कलर की बात करूं तो कलर गैमेट यहाँ पर आपको 85% NTSC कलर गैमेट देखने को मिलता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है डिस्प्ले को यूज करके, फोन हाथ में देखा था, श्योरली डिस्प्ले वाइब्रेंट था, कलर्स पंची था, इंडोर लाइटिंग में यूज करने का मौका मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, बट मैं आउटडोर में अभी इसको यूज नहीं कर पाया हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशंस की, स्नैपड्रैगन का 636 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दो वेरिएंट अभी फिलहाल ये लोग लेकर आ रहे हैं जहां पर 3GB की रैम दी जाएगी और 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। प्राइसिंग के बारे में जरूर आएंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लास्ट में जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा एक और वेरिएंट फ्यूचर में ये लोग लेकर आ रहे हैं जहां पर कैमरा में अपग्रेड होगा और 1 6GB रैम उसमें एडेड होगी एक्स्ट्रा। सो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हम बात करेंगे, उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मामले में एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, एक और अच्छी बात है, एंड्रॉइड ओरियो डायरेक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड उनका कहना है स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा और अगली दो आइट्रेशन मतलब एंड्रॉइड पी और उसके आने बाद एक और जो एंड्रॉइड का जो नेक्स्ट वर्जन आएगा उसकी अपडेट्स वो लोग कंटिन्यू रखेंगे इस फोन के अंदर। और उसके अलावा अगर हम चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, जो मुझे थोड़ा सा लगता है एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर वो Redmi Note 5 Pro को शायद ना बीट कर पाए, हालांकि जो उन्होंने फोटोज दिखाई थी इवेंट के टाइम पे श्योरली वो काफी अच्छी थी, कलर रिप्रोडक्शन और जो डायनामिक रेंज है कैमरा की वो उन फोटोज को देख के तो अच्छी जरूर लग रही थी, बट जब मैंने उस फोन को यूज किया, जो डेमो यूनिट्स वहां पर पड़े हुए थे उससे जो पिक्चर्स रिप्रोड्यूस हो रहे थे उनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हेजी नजर आ रही थी। तो जब मैंने उनकी टीम से इस बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी कुछ और OTA अपडेट्स इन डेमो यूनिट्स में आना बाकी है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी हो सकता है जो पिक्चर्स हैं वो लैक लस्टर आपको देखने को मिल रही हो, बट ट्रस्ट मी ऐसा उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले अपडेट्स में ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये आपको जो रिटेल यूनिट्स हैं उनमें इश्यूज नहीं नजर आएंगे। सो ये देखने वाली बात है कि रिटेल यूनिट में वो कैमरा की जो परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं उनको वो लोग ठीक कर देते हैं या नहीं, बट बहरहाल पीछे जो सेंसर लगाया गया है वो 13+5 मेगापिक्सल का सेंसर है, डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का जो सेंसर लगाया गया है वो मेन सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का जो सेंसर लगाया गया है वो पोर्ट्रेट इमेजेस को कैप्चर करने के लिए लगाया गया है। कितना एफ स्टॉप है ये मुझे अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं है एंड ना ही उन्होंने इसके बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन दी थी, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग की जो ऑप्शंस मैंने वहां पर चेक करी तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी मुझे वहां पर देखने को मिली है। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ ये कैमरा आता है। फ्रंट के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, फ्रंट में फ्लैश भी दी गई है। सिक्योरिटी पैरामीटर्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा पीछे की तरफ दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पर फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। ये फीचर साथ में अभी फिलहाल आउट ऑफ द बॉक्स आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर अभी थोड़ी सी जो है
पर्दादारी रखी गई है, बट उन्होंने कहा है फेस अनलॉक फीचर जरूर अवेलेबल है इस डिवाइस के अंदर। और उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर ये लोग काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने दिया है, वेट डिवाइस का सेम है बट बैटरी बड़ी लगाई गई है, 5000 mAh की बैटरी यहां पर इन्होंने लगाई है और फास्ट चार्जिंग का भी एक तरह से सपोर्ट दिया है। मुझे लगता है जो चार्जर साथ में दे रहे हैं वो फास्ट चार्जर को सपोर्ट नहीं करता, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, बट वैसे डिवाइस अपने में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहां पर जो उन्होंने पिक्चर्स डिस्प्ले करी थी, उनका खुद का क्लेम था कि रेडमी नोट 5 प्रो से जल्दी ये फोन चार्ज हो रहा है, हालांकि वो 4000 mAh की बैटरी है और ये 5000 mAh की बैटरी है। अब आते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिसाइडिंग फैक्टर है। ये देखते हुए रेडमी नोट 5 प्रो मिल ही नहीं रहा मार्केट में, Asus ने काफी अच्छी प्राइसिंग करी है इस डिवाइस की। यहां पर जो प्राइस रखा गया है 3GB वाले वेरिएंट का वो है 10,999 रुपए, 4GB रैम वाले वेरिएंट का जो प्राइस रखा गया है वो है 12,999 रुपए, और फ्यूचर में जो एक और अपग्रेड आएगा जहां पर हमें 6GB की रैम देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ 16 MP प्लस 5 MP का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, उसका प्राइस उन्होंने रखा है 14,999 रुपए। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, एक नई तरीके की पार्टनरशिप उन्होंने स्टार्ट करी है फ्लिपकार्ट के साथ, और फ्लिपकार्ट ने भी एक नया लॉन्च ऑफर निकाला है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये Asus के इसी डिवाइस के साथ है, अभी और किसी भी डिवाइस के साथ ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर निकाला है जहां पर वो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिवाइस के लिए, जहां पर आपको कुछ भी नहीं टेंशन लेना, जैसे और भी आप इंश्योरेंस लेते हैं अपनी डिवाइसेस की, वैसा ही कुछ फ्लिपकार्ट भी शुरू कर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने इसका प्राइसिंग रखा है 999, बट Asus के इस डिवाइस के साथ उसका जो प्राइस रखा गया है वो सिर्फ 49 रुपीज रखा गया है, और वो यहाँ पर इसी डिवाइस के साथ आप परचेज करते वक्त भी ले सकते हैं, बट अदरवाइज अगर बाद में परचेज करते हैं तो वो आपको 999 का पड़ेगा। एंड यहाँ पर कुछ वोडाफोन के ऑफर्स भी हैं, 10GB कुछ एक्स्ट्रा डेटा है एक साल तक जो प्रीपेड के मेंबर्स हैं। सो ये सारी डिटेल्स जब आप बाइंग पेज पर जाएंगे वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नो कॉस्ट EMI भी है, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर भी है। सो ये सारी चीजें अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ आ रही हैं। मैंने डिवाइस को देखा है, मेरे पर्सनल इंप्रेशंस ये हैं जो इनिशियली मुझे डिवाइस को यूज करके समझ में आया, डिवाइस मुझे ओवरऑल देखने में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस, बैटरी, बट जो एक वीक पॉइंट अभी फिलहाल मुझे लग रहा है जो इनिशियली मैंने टेस्ट किया है इस डिवाइस को, वो है कैमरा। उसके सैंपल्स इतने मैं नहीं कैप्चर कर पाया, मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट जब मैंने खुद उसको यूज किया है वो थोड़े से मुझे वीकर साइड पे लग रहे थे। हो सकता है जो सेंसर लगा है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो, बट उनका कहना था कि हमने एक बड़ा सेंसर इंकॉर्पोरेट किया है जो 1.12 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज के साथ आता है, बट ये अब देखने वाली बात होगी जब मुझे इसका यूनिट मिलेगा। मैं फिर कुछ कैमरा रिव्यू जरूर लेकर आऊंगा, कुछ सैंपल्स वहां पे क्लिक करूंगा, एंड हम देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी डिटेल्स थी दोस्तों Asus के नए डिवाइस Zenfone 5 Max Pro M1 के बारे में। बताएगा दोस्तों क्या सोचते हैं इस डिवाइस के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखकर, एंड और कुछ भी अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।